पास श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है, जिसके मद्देनजर वडोदरा के मांजलपुर स्थित ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल यानी कि विवा योग की ओर से 51,000 दियों का दीपोत्सव आयोजित करवाया गया था। विवा योग के परम पूज्य वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार महाराज जी की विशेष मौजूदगी में 51,000 दियों का ये दीपोत्सव आयोजित हुआ था, जिसके तहत वडोदरा के कई राजनीतिक अग्रणी भी मौजूद रहे थे। उपस्थित सभी की ओर से वडोदरा की हरणी लेक दुर्घटना में जान गंवा देने वाले बच्चों और शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना की गई थी। तो वहीं विवा योग की ओर से इन मृतकों के लिए सहाय की घोषणा भी की गई। विवा योग अने व्रजधाम ना संयुक्त उपक्रमे अयोध्याना अंदर जारे 22मी तारीखे भगवान श्री रामना दिव्य भव्य दैदीप्यमान मंदिरनु उद्घाटन भारत राष्ट्रना यशस्वी लोकप्रिय विश्व नेता एवा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीजीना हस्ते जारे थवा जई रह्यु छे, ते प्रसंगना उपलक्ष्यमां पूर्व संध्याए आजे 51,000 दीपोने प्रज्वलित करीने आ दिव्य भव्य दीपोत्सवनुं आयोजन अहींया करवामां आव्युं छे। साथे साथे जे मासूम बाळको अने शिक्षकोनुं दुर्घटनामां थोड़ाक समय पहेला हरणी तळावमां मृत्यु थयुं हतुं, ए बधा ज आत्माओ माटे पण आजे अहींया श्रद्धांजलि आपवामां आवी छे। काले 501 कुंडी विष्णु यागनुं पण आयोजन ब्रह्म मुहूर्तमां करवामां आव्युं छे। राम भगवान पोते अने एमना भक्तो पण आपणने करावे छे कि धैर्य राखवू, पुरुषार्थ करवू, भगवान पर विश्वास राखो, सकारात्मकता राखवी, प्रेम राखवू, उमंग राखवू अने भगवान पर पूर्ण रूपे समर्पित थईने जे व्यक्ति कार्य करे छे एना पर निश्चित प्रभुनी कृपा थाय छे। तो आ दिव्य प्रसंगे राम भगवानना आ मंदिरना उद्घाटन प्रसंगे समस्त देशवासियोने अने विश्वभरमां आपणा बधा ज भारतीयोने खूब खूब बधाई। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।